Hello friends, welcome to AAFM, American Academy for Financial Management. And I am Kareem Lakhani, the trainer. And today I am back to answer one more question. The question is, commonly used inflation measures such as consumer price index, wholesale price index, and GDP deflator. How do those measures capture changes in the price levels and inflationary pressure? So, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग इंडेक्स क्रिएट करती है. जैसे कि हमारे पास दो मेजर इंडेक्स है इन्फ्लेशन के, जो है CPI और WPI. हम CPI WPI को भी समझेंगे, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ पे GDP डिफ्लेटर को भी समझेंगे, बिकॉज GDP डिफ्लेटर भी एक इंडेक्स होता है मेजर करने के लिए द राइज इन द कॉस्ट. सो हम देखते हैं पहले कि WPI और CPI का क्या रिलेवेंस है. WPI होता है कि इट इज मेजरिंग द राइस इन कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर. वेर इन CPI इज मेजरिंग the rise in cost for the consumer. Okay, so WPI ये measure करता है कि last year जो manufacturing industry है, जिसको हम primary industry भी बोलते हैं, तो जो primary industry है उसके अंदर जो production होता है वो प्रोडक्शन में क्या क्या कॉमोडिटीज यूज होती है, उस कॉमोडिटीज को लास्ट ईयर और कंपेयर टू दैट लास्ट ईयर और इस साल में कितना रेट में डिफरेंस है उसको मेजर करता है. जैसे कि अगर हम बात करें WPI की, तो WPI का एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, बट आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल. जैसे कि होता है आयरन, स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल. सो काफी सारी ऐसी चीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग या प्राइमरी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, और उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन द लास्ट वन ईयर कितना बड़ा है वो WPI मेजर करता है. एट द सेम टाइम CPI वो मेजर करता है जो एंड कंज्यूमर को काम आता है, जो रिक्वायरमेंट फिनिश प्रोडक्ट्स की जो एंड कंज्यूमर यूज करता है उसमें कॉस्ट डिफरेंस कितना आता है वो CPI मेजर करता है. तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होके ने जो जो फिनिश गुड्स जब कस्टमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसके कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया वो CPI मेजर करेगा. एंड इट्स नॉट ओनली के खाली वो प्रोडक्ट का कॉस्ट मेजर करता है, बट वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज काफी सारी चीज का कॉस्ट मेजर करता है जो एंड कंज्यूमर यूज करता है. तो इसके अंदर एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आएगा, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ओके, आपका जो फ्यूल है, फूड है. तो काफी सारी चीज जो एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसके प्राइस में जितना डिफरेंस आता है वो CPI मेजर करता है. अब नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि जितना भी WPI होता है, लेट से 5% इन्फ्लेशन है, WPI में लास्ट ईयर से इस साल 5% रेट बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है,
तो सीपीआई जनरली 5% से थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि बाय द टाइम जो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक आते हैं उसमें बहुत सारी चीज ऐड हो जाती है, तो उसका इन्फ्लेशन जो होगा वो थोड़ा WPI से ज्यादा होगा, जो 6 to 7% भी हो सकता है। ना ये जो WPI और CPI की जो बास्केट होती है, इसमें वो हर प्रोडक्ट होगा जो अफेक्ट करता है आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को। अब ये जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट्स वो भी होगा जो इंडिया में बनता है, और प्रोडक्ट्स वो भी होता है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो मिक्स होता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज फुलफिल्ड बाय मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच इज मेड फ्रॉम इंडिया एंड विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ये हमको हमारा एक्चुअल लाइवलीहुड या लिविंग एक्सपेंस का रियल कॉस्ट ऑफ ग्रोथ बताता है। इसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडियन एज वेल एज इंपोर्टेड प्रोडक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे WPI देखते हैं तो यहाँ पे क्रूड ऑयल आ गया, तो क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, पर वो हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए क्रूड ऑयल और ऐसे बहुत सारी चीज होती है जो हम बाहर से लेते हैं और वो WPI और CPI में के बास्केट में इन्वॉल्व हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर वो होता है, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नॉट सिलेक्टिव। CPI और WPI में तो सिलेक्टिव गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, बट GDP में, GDP डिफ्लेटर में वो हर गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, एंड उस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्राइस कितना बढ़ा है सिंस लास्ट 1 ईयर, वो मेजर होता है GDP डिफ्लेटर। अब जैसे कि एक लिस्ट होगा जिसके अंदर 2022 में जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसका लेट्स से 100 रुपीज का कॉस्ट है, और उसी सेम लिस्ट का इन द ईयर 2023 में व्हेन वी कंपेयर के टोटल प्राइस कितना होगा उसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, सो अगर वो 100 का 100, 105 हुआ, सो वी विल से दैट द GDP डिफ्लेटर इज 5%। दिस इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज मेड इन इंडिया। इसमें एक भी प्रोडक्ट इंपोर्टेड नहीं होगा, हर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो इंडिया में बनता है उसका एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट जो हमको GDP डिफ्लेटर में मिलता है। थैंक यू।